ऑपरेशन टनल किस स्टेज में है, फंसे हुए मजदूरों के हम कितने नजदीक पहुंचे हैं, अभी और कितना वक्त लग सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब से पहले आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को देखिए। सुरंग के बिल्कुल बीचों बीच मलबे का ढेर है, एक इंच की जगह भी नहीं दिखाई दे रही और इसी मलबे के उस पार देश के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इसी मलबे के पार जाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। लगातार जो एक्सपर्ट है उनकी जो टीम है वो पहुंच रही है उत्तरकाशी में, और फिलहाल देखिए चॉपर की भी मदद ली जा रही है, जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनको लाने के लिए यहां पर चॉपर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदा टनल साइट से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये जो है हेलीपैड बनाया गया है, टेम्परेरी हेलीपैड बनाया गया। देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी के एक छोटे से हिस्से पर ये हेलीपैड बनाया गया है और यहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाया जा रहा है और गाड़ियों से टनल तक पहुँचाया जा रहा है। और यहाँ विदेश से सिर्फ एक्सपर्ट नहीं बुलाए गए हैं बल्कि विदेशी मशीनों की मदद भी ली जा रही है। सुरंग के हर कोने से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑपरेशन टनल को टकटकी लगाए देख रहे देशवासियों के मन में सवाल है कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो कोई खुशखबरी क्यों नहीं आ रही। तो खुशखबरी आई है, मजदूरों के बाहर निकलने से जुड़ी कुछ उम्मीदें सामने आई। आज का दिन 21 तारीख 21 नवंबर इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 नवंबर को जो श्रमिक थे जो 41 थे वो इसमें फंसे थे, लेकिन उनकी जो पहली अच्छी झलक आज सुबह करीबन 4 बजे सामने आई है, यानी कि दिन की शुरुआत ही जो हुई है वो एक अच्छी खबर से हुई है। हम बारी बारी आपको वो उम्मीद दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद मजदूरों के जल्द बाहर आने का भरोसा बढ़ गया है।